रेबल स्टार प्रभास का नाम सुनते ही किसी भी लॉयल सिनेमा लवर की तरफ से हमेशा अलग अलग दो फीडबैक आएंगे, जिसमें नंबर वन में उनका कहना होगा कि प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जिनका फैन फॉलोइंग इनसेन लेवल का है। मूवी का बजट जितना ही हो, रिलीज होने के 2-3 दिन के अंदर मूवी इतना पैसा कमा लेती है कि लोग किसी भी एंगल से पिक्चर को फ्लॉप कंसिडर तो नहीं कर सकते, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आदि पुरुष है। इस मूवी को लोग कंटेंट वाइज फ्लॉप कह सकते हैं, पर फाइनेंशियली ये मूवी टिपिकल बॉलीवुड मूवी से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इवन तक की बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन, वरुण धवन एंड आयुष्मान खुराना जैसे स्टार्स की मूवीज इतना पैसा नहीं कमा पाती है जितना प्रभास का एक फ्लॉप पिक्चर कमा के चला जाता है। ऐसी स्टार पावर के बारे में सोचकर ही अजीब लगता है, पर मानना पड़ेगा आफ्टर बाहुबली एंड बाहुबली 2 प्रभास पैन इंडियन वर्ल्ड का देवता है। नो डाउट इनके मूवीज के बॉक्स ऑफिस के सामने बॉलीवुड से लेकर साउथ की कोई भी सुपरस्टार ले लो या मेगा स्टार ले लो या जो भी स्टार ले लो, प्रभास के कंपटीशन में कभी नहीं जीत सकता। एसर के फैंस याद रखना, मैं ओनली पैन इंडियन मूवीज की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एसर के ही नहीं, बाकी सुपरस्टार अपने अपने इंडस्ट्री में जितना ही पैसा कमा ले, जब पैन इंडियन मूवीज की बात आता है तो प्रभास के सामने सबको झुकना पड़ेगा। प्रभास के हेटर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको शायद जलन हो सकता है, पर सच तो यही है भाई साहब। फीडबैक नंबर 2, सॉरी प्रभास फैंस, आपका डार्लिंग एक ऐसे सुपरस्टार है जो SS राजामौली के बाहुबली फ्रेंचाइज के बाद आज 7 साल हो चुका है, पर फिर भी विदाउट हेट एंड क्रिटिसिज्म एक राइट स्क्रिप्ट सिलेक्शन करने में नाकामयाब रहा है। अलग अलग जॉनर में काम करके एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, पर पब्लिक हर बार आपके एक्सपेरिमेंट के घटिया रिजल्ट को टॉलरेट नहीं करेगा। 2019 की साहो मूवी को इग्नोर किया जा सकता है, 2022 की राधे श्याम को इग्नोर किया जा सकता है, पर मेरी बात मानो, आदि पुरुष जैसे मूवी में काम करने के लिए प्रभास हेट डिजर्व करते हैं, जो कि आदि पुरुष मूवी रिलीज होने के टाइम उनको बहुत कम मिला है। हमने सारा हेट ओम राउत के ऊपर ही बरसा दिया है। पर भाई साहब, इतने बड़े पैन इंडियन स्टार को इतना तो आइडिया होना चाहिए था कि कौन सा फिल्म मेकर उनका सही इस्तेमाल कर सकता है कौन सा नहीं, जबकि उन्होंने लगभग 5 साल SS राजामौली जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया। क्या आदि पुरुष रिलीज होने के बाद उनको जरा सा भी आइडिया नहीं लगा कि उन्होंने जो काम किया है वो सही नहीं है? खैर, जो हो चुका है सो हो चुका है, पर फिर भी प्रभास हिंदी यानी नॉर्थ बेल के ऑडियंस को सलार मूवी से कन्विंस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं सलार मूवी का तारीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मूवी को KGF के मेकर्स ने क्रिएट किया है, ना कि हिंदी के ओवरऑल ऑडियंस प्रभास का डाई हार्ड फैन बन चुका है। इसलिए भाई ऑनेस्टली मुझे ये बात कहना होगा कि बाहुबली एंड बाहुबली 2 के बाद प्रभास ने इन 4 मूवीज के द्वारा पैसा तो बहुत कमाया है, पर अनगिनत कॉन्ट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म को कैडी करते हुए किसी भी मूवी ने बाहुबली मूवी की तरह इज्जत नहीं कमा पाया है। तो बिना प्रभास के डाई हर्ड फैन बने एक लॉयल सिनेमा लवर्स के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा प्रभास एक इनक्रेडिबल स्टारडम होल्ड करते हैं, जो कि कोई भी बड़े से बड़े इंडियन सुपरस्टार के द्वारा प्रभास का स्टारडम अचीव करना लिटरली इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि प्रभास के स्टारडम का मेन टर्निंग पॉइंट बाहुबली है, तो उस टाइम में क्रिएट होने वाला रेवोल्यूशन यानी कि पैन इंडियन मूवीज में रेवोल्यूशन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल तो छोड़ो, गौर से सोचोगे तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा होता तो 2009 में रिलीज होने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी अवतार मूवी को तो हर कोई बीट कर देता। या है किसी ने, हाँ किया था एवेंजर्स एंडगेम ने, या है तो अभी ये मूवी उस पोजीशन में है? नहीं ना, क्योंकि ये मूवी जो पोजीशन पे है उसे कोई बीट कर सकता है तो वो इसका सीक्वल है। तो बाहुबली मूवी का क्रेज या रेवोल्यूशन को कोई रिपीट कर सकता है तो वो वन एंड ओनली बाहुबली 3 है। खैर, हम प्रभास अन्ना पे वापस आए तो 2024 में हम उम्मीद कर सकते हैं फाइनली हमारा डार्लिंग पैसों के साथ इज्जत कमा ही लेंगे। स्पेशली कल की 2898 AD का कंटेंट तो वैसा ही कुछ कह रहा है, क्योंकि प्रभास आदि पुरुष में आफ्टर सी राम लॉर्ड विष्णु जी का 10वां अवतार कल्की के रूप में दिखने वाला है विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी। और उनकी अगली मूवी जो हाल ही में रिलीज हुआ है वो भी कुछ ऐसा ही ट्रैक पे चलेगा। मूवी का नाम है राजा साहब, डायरेक्टेड बाय मारुति। ये डायरेक्टर कौन है भाई, साउथ इंडियन डायरेक्टर या बॉलीवुड डायरेक्टर या कोई कुछ बताओ भाई, मैं नहीं जानता इन डायरेक्टर को। सुनने में आ रहा है कि ये मूवी एक ऐसी मूवी होने वाली है जैसी मूवीज बाहुबली फ्रेंचाइज में काम करने से पहले प्रभास अन्ना किया करते थे, और जिन मूवीज की वजह से आज प्रभास को रेबल या डार्लिंग बोला जाता है। बिल्कुल रॉ एंड ग्राउंडेड मूवी होने वाली है, ना ही साहो और सलार की तरह लार्ज एंड लाइफ टाइप मूवी हो। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये राजा साहब मूवी हॉरर कॉमेडी जॉनर को एक्सप्लोर करने वाला है, क्वाइट इंटरेस्टिंग, जिसमें फाइनल
फाइनली एंड एक्चुअली अन्ना को एक्टिंग दिखाने का मौका मिलेगा। बाहुबली से लेकर सलार मूवी तक उन्हें अलग अलग डायरेक्टर्स ने जैसे ट्रीट किया है, जैसे लार्सन लाइफ टाइप से प्रेजेंट किया है कि भाई प्रभास एक बहुत बड़े एक्टर है, बहुत बड़े पैन इंडियन लेवल का सुपरस्टार है, बंदा खड़ा रहेगा, गुंडों की दूर से ही पैंडगिली हो जाए, थिएटर्स में उनका एक एक एंट्री सीट या तालियां से भर जाएगा और हेटर्स की फटके चार हो जाएगा। 2015 की बाहुबली से 2023 की सलार तक तो प्रभास को लेकर कुछ ऐसा ही चल रहा था। फाइनली ये पिक्चर मेरे अकॉर्डिंग तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें प्रभास को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाएगा, मेहनत करके उनको काम करना पड़ेगा, अपना एक्टिंग दिखाना पड़ेगा, विच मीन्स पिक्चर हेटर्स का मुंह बंद करेगा। जो लोग एक्चुअली कहते हैं कि प्रभास अन्ना को एक्टिंग नहीं आता, उसके बाद तो वांगा के साथ स्पिरिट, सलार पार्ट टू, और फिर जाके कुछ और कुछ और कुछ और। लाइनअप तो बंदे का बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है प्रभास का ये स्टारडम कोई स्टारडम नहीं, एक पागलपन है। मान गया अन्ना, तू सी रियल फिल्म स्टार हो।